जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। बीएनबी लगातार आप लोगों को मिलवाती रहती है लोगों को, एक दूसरे को एक से एक बढ़कर दिखाती रहती है। आज मिलवाने के लिए जा रही है बीएनबी आप लोगों को, जो कहते हैं कि 1980 में जब भाजपा बनी थी, जब जन्म हुआ था, कहते जनसंघ काल उसके बाद भाजपा बना था, उस वक्त से बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के गेंद्रो पंचायत के गेंद्रो गांव के गांव निवासी बद्री साव जी, मैं बात कर रहा हूं, जो बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र में पड़ता है और सीमा क्षेत्र अवस्थित गेंद्रो पंचायत, वहां बद्री साव नामक व्यक्ति है जो 75 प्लस उम्र इनका पार कर चुका है। उस वक्त से भाजपा में थे और आज भी ये भाजपा का दामन थामे हुए हैं। कहते हैं कि भाजपा रोम रोम में है, भाजपा इनके नस नस में है। जब इनसे हम अभी बात किए तो अभी इन्होंने कहा कि भाजपा में थे और अंत समय तक भाजपा में ही रहेंगे। जानकारी दे दे कि बद्री साहब जो बेंगाबाद के गेंद्रो गाँव के रहने वाले हैं और इन बीमार हैं विगत एक महीनों से, इसकी सूचना पाकर प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल यहां पर पहुंचे हुए हैं और बीएनबी की टीम भी पहुंची हुई है। आइए हम लोग जानते हैं, जयप्रकाश मंडल जी से भी जानेंगे कि यहां पर आज पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है कि जब पार्टी के एक आला कमान भीष्म पितामह जैसे कोई हो और अगर वो बीमार हो तो उनकी देख रेख या सूद लेने के लिए ज़रूरी पड़ता है, तो सूद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए हम लोग उन्हीं से बात करते हैं, बद्री साहब जी से, कब भाजपा में ज्वाइन हुए थे और कब थे और आगे ही भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे। पुराने कहते हैं लक्ष्मण स्वर्णकार जो पूर्व विधायक थे, उनके साथ भी यह कार्य कर चुके हैं, पार्टी के लिए रह चुके हैं, इन्हीं से जानते हैं इनकी दिल की जुबानी क्या कहना चाहते हैं अपनी कहानी। जी बद्री जी बताएंगे की बोलिए, आप भाजपा में कब ज्वाइन किए थे? भाजपा जिस दिन से हम थे उस दिन से, जिस दिन थे उसी दिन से भाजपा ज्वाइनिंग हुआ, जब शुरू हुआ उस टाइम से एकदम शुरू से आपको देख रहे हैं, जो जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार और पुराने पुराने जो नेता थे भाजपा के, रितलाल वर्मा, ये सब लोगों के साथ तो काम कर चुके हैं, सबको साथ काम किए। अच्छा, वाजपेयी जी से भी करीब कभी आमना सामना हुआ था क्या आपका? हुआ नहीं, उससे भेंट नहीं हुआ, ऐसा उसको काम में हम लगे थे। अडवाणी जी नहीं देखे, ऐसा उसको काम में थे हम। आप शुरू से थे? शुरू से थे। कब थे, कब जब चुनाव, विधायक का चुनाव हो रहा था उस टाइम थे क्या? हाँ, विधायक चुनाव ये अबरी लक्ष्मण सोनकार अबरी जखनि कथी मुई आ गए तखनी छोड़ गई, तो भाजपा छोड़ी गए, भाजपा छोड़ी दोसर के नया भाजपा। अभी भी भाजपा में है? अभी भी भाजपा में। और भाजपा छोड़ना भी नहीं है? मैं कैसे छोड़ेंगे, अब तो अंत काल है। अच्छा, तो इस भगवान को नाम लेकर उसी को वोट दे देते हैं जो होता है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए जो आपके साथी हैं अभी मिल नहीं पाते हैं आप उन लोगों से, आप बीमार हैं, उनको जानकारी पहुंचेगा बीएनबी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमको जिन उसको जाने जो आदमी था मुलाकात करके कहीं लगा कर दिखा दिया, मुलाकात करने की इच्छा है उन लोगों से, अपने साथियों से। कौन कौन साथी आपका रहा हुआ था बताएंगे, एक आध दो साथी का नाम, जो साथी आपका हो, कदावर साथी, जिगर का टुकड़ा, ये सब साथी है। ये जयप्रकाश जी आपके साथी थे? पूछिए। अच्छा अच्छा, और कौन साथी थे जो है? ये है बेंगाला को राम रतन राम। अच्छा, वो सिपूजन राम। हाँ, अच्छा अच्छा, और प्रकाश वर्मा थी वाला, महेंद्र वर्मा। हाँ, सब साफ साथी में सब दिन रहा, सबके साथ काम कर चुके हैं, सबको साथ काम किए। तो निश्चित रूप से महेंद्र प्रसाद वर्मा और कई लोग राम रतन राम का नाम ले रहे हैं, जिनके साथ सिपूजन राम, उनके साथ ही काम कर चुके हैं पार्टी को, संगठन की मजबूती को लेकर के, और आज यह तबीयत बीमार है इनकी, बीमार चल रहे हैं, ये लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि मुलाकात अगर इच्छा हो तो मुलाकात करने की इच्छा इनको जगी हुई है। यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी आए हुए हैं, निश्चित जानते हैं कि इनके स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या कामना करना चाहेंगे। जी जयप्रकाश जी, हमें जानकारी मिली कि हमारे अभिभावक के भूमिका में ही रहते थे, हम उन्हें 1987 से मैं इनको जानता हूं और इनके यहां आना जाना हम लोग को होता था, और कोई भी इस एरिया में कार्यक्रम होता था तो ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे,
और स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा एमपी साहब के भी नज़दीकी रहे हैं, और हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी के साथ भी ये आगे बढ़ चढ़ करके काम करते थे। इनके नेतृत्व में एक हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। हम लोग को प्रखंड स्तर का संगठन का जिम्मा मिलता था और हम लोग अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम लोगों को काम दिया जाता था हम लोग बढ़ चढ़ करके काम करते थे। और आज हमको सूचना मिली कि ये बीमार हैं तो मेरा मन किया कि इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और ये अस्वस्थ हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाएं और फिर हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलें और हम लोग को मार्गदर्शक के रूप में अभिभावक के रूप में जैसे थे वैसे फिर से ये हम लोग को मार्ग प्रस्त करते रहें और हम लोग को सुझाव देते रहें ताकि हम अपने पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन इन बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग और आगे बढ़ें दिन दुगुना रात चौगुना और हम अपने जनता को अमन चैन के साथ में आगे कैसे बढ़ावें इसके दुख को हम लोग कैसे दूर करें यही कामना करते हैं। अधिक से अधिक इस गांव के लोग संगठित हैं और भाजपा में हैं इसलिए इस गांव के लोगों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और मैं बद्री चचा से मैं कहना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें, हम लोग साथ हैं, आपके साथ हैं और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और आपका इलाज के लिए हम लोग को जो भी करना पड़े जहाँ भी ले जाना पड़ेगा हम लोग आगे बढ़ करके आपका इलाज करेंगे। लेकिन चिंता एक बीमारी है, चिंता से आप मुक्ति लें ये आपका काम है, चिंता आप नहीं करें। तो देख सकते हैं कि बद्री चाचा बीमार हैं और सूद लेने के लिए यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल पहुँचे हुए हैं। देखिए ज़रूरत है ऐसे जो संगठन से जुड़े हुए हों और पुराने साथी रहे हुए हों और पुराने साथियों को अगर याद कर रहे हों तो वैसे साथियों को भी ज़रूरत है सूद लेने की। तो बने रहें बीएनबी के साथ। बीएनबी का काम हंगामा खड़ा करना नहीं, हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं, एक दूसरे को मिलवाना। वैसे भी हम पहले ही कह चुके हैं कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो ओ मस्तानो, जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।